डे वन का सेकंड पार्ट, जहाँ जाने वाले हम ताजमहल। तो चलिए जाते हैं, चलिए जाते हैं। ये देखो जंतु को देख लो भाई, किसी को देखना है तो मैं बोलूंगा देखी मत यार। हम दोनों दिखते इतना काफी है भाई, छोड़ो यार। और ये हमारा कुछ आज का आउटफिट आउटफिट चल चलो ताजमहल के लिए हम निकलेंगे। बेटा किधर बैठे हो? एम्प्टी बस कहाँ बैठोगे? इधर यहाँ पे चल बैठ। तो बस से निकल के हम आ चुके हैं शाहजहां का घर देखने के लिए। शाहजहां का नहीं, मुमताज का घर। मुमताज का घर देखने के लिए एक ये लोग कब्रिस्तान देखना है, मैं उसे घर देखने आया हूँ है ना। और ये लोग उधर ही जा रहे हैं। और आज सब बहन चौदह व्हाइट पहन गा रखा है हम दोनों को छोड़ कर। गाली उनके लिए है। खुद मैचिंग नहीं पहन सकता तो दूसरों को क्यों बोलो? औकात है तो मुंह पे आके बोल। मैचिंग के लोग वाली जरूरत पड़ती है। लड़की है क्या इतना पेड़ लेके घूमता है? तो आ चुके हैं टिकट काउंटर पे, जहाँ से टिकट कटा के फिर अंदर एंटर लेना पड़ेगा। उधर सब ऑलरेडी जा रखा है और पीछे भी बहुत सारे आ रहे हैं। हम मिडिल में एक्चुअली टिकट लेंगे, फिर ये एक्चुअली मेन गेट, यहाँ से एंटर करेंगे अंदर ताजमहल के लिए। ये तो फोर्ट है ना? कौन सा फोर्ट? ये वाला आगरा फोर्ट। इतना पास आगरा फोर्ट कहाँ सुनने लग गया? अंदर से मैं समझाता हूँ। टिकट लेंगे फिर जाएगा अंदर। अभी इकट्ठे हो रहे, लग रहा है टिकट ऑलरेडी काट लिया हमारे और टिकट देने वाले हैं अभी। निकल जाएगा धक्के मार। हाँ डन। और चेकिंग टिकट कमीशन वाले गेट से अंदर आ चुके हैं। एक और गेट क्रॉस करके फिर अंदर जाना पड़ेगा। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, तुम्हें ऊपर से क्यों जाना है? इधर चलते चलो, वो वाला मेन गेट है उससे अंदर क्रॉस करके अंदर जाते चलो। भैया हम मेन गेट के थोड़ा सा पीछे जस्ट, ये सब एक्चुअली हम क्लास वाले हैं। ये रहा मेन गेट, वो रहा ताजमहल। और बहुतों को पता नहीं है ये बात, ये जो मेन गेट है ना एक्चुअली और ये ताजमहल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। लेकिन फील नहीं होता किसी को और किसी को पता भी नहीं एक्चुअली ये चीज़। ये डिस्टेंस और वो 1 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है एक्चुअली ये चीज़। वही तो भी खड़ा होता है फील नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन 1 किलोमीटर है फील। वही तो आ जा अंदर का सीन, ये सब देखा अच्छा है। मैंने गेट आ जा वापस। 10 साल पहले ऐसे ही हम वहाँ से एंट्री लिए थे एक्चुअली। वो देख पीछे, उधर पीछे एक गाँव है, हम वहाँ से एंट्री लिए थे उस टाइम पे। उस टाइम उधर पर्चा वर्चा, ये रिसेंट में खुला है जो जहाँ से आए ना यहाँ पे, ये रिसेंट में खुला है। और जो पीछे दिख रहे हैं ना, टोकन नहीं था, टिकट था, टोकन नहीं था, टोकन भी रिसेंट हुआ। हाँ और पीछे से आए थे रिसेंट में, ये सब खुला और नया नया कुछ ऑब्वियसली अपडेट तो होता रहता है ना। तो अब दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ से ऑब्वियस नहीं दिखेगा, अंदर जा रहे हैं। मुख्य द्वार ताजमहल अक्सर। जरूर जरूर जरूर। हाँ तुम घूम सकते हैं, तो जरूर जम कर सकते हैं है ना। एंट्री और मेन ताजमहल है ना वापस। अरे होली भी है ना, ये लोग नेचुरली ऐसा है यार, रंग लगा रखा है पता नहीं। थोड़ा घूम अच्छे से आजा। और बीच में पानी, धूप है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। धूप है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। तो एक चीज दिखाऊं तो रिकॉम देखो भाई, बहुत सारे लोग चढ़ा है ना, फील हो रहा होगा दिखना थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो। इधर दो बंदा खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे दो काला काला कुछ रख दिया। और हम जाएंगे ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं, हम जाएंगे वहाँ पे कुतुब मीनार। याद है हम कुतुब मीनार जाने वाले हैं। इसका एक खम्बा है ना ऑलमोस्ट कुतुब मीनार का हेड जितना है, ये फील नहीं होगा यहाँ से देख के, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का हेड सेम ही है, कुतुब मीनार को ये वाला खम्बा का। और अगर तुम इसे फील करोगे ना, इसमें से ना चारों खम्बे एक दूसरे को झुका पड़ा है, तो पढ़ा होगा ऑब्वियसली, तो ये तो पढ़ा होगा बुक में होता है, बुक में अच्छा लिखा हुआ कि चारों खम्बे एक दूसरे को झुका हुआ है, झुका हुआ है थोड़ा थोड़ा।
गिरेगा ही नहीं पानी दे। बहुत ज्यादा देखो उधर वीडियो बनाते हुए कोई नहीं रहता उससे। होता कोई दिन मैं बोला होता कोई दिन ऊपर ऊपर जाते हैं और वहाँ एक परफेक्ट सोटा जाएगा ठीक ना। और यहाँ बैठने वाला रुको ना, यहाँ बैठने वाला है यहाँ से एक परफेक्ट तो वो आ जाएगा फोटो कर जो भी लोग अगर आंटी उठ गई तो ठीक है। आ जाओ चलते इसके ऊपर अभी हम कब से यहाँ पे खड़े हैं ये वाला पार्ट लेने के लिए ताकि यहाँ से एक फोटो आता है ना मतलब अच्छा फोटो आता है बैकग्राउंड में अच्छा कवर हो जाता है। चलो हम तब से खड़े हैं मौका ही नहीं लग रहा हमारा वाला तब से कोई नहीं कोई यहाँ पे बैठ जा अभी भी यहाँ पे दो कपल बैठे हैं मतलब एक कपल बैठे हैं फोटो के लिए। इसके बाद ट्रैक करो वहाँ जाकर बैठेंगे ठीक ना ट्रैक करिए अगर हो पाए तो नहीं होगा थोड़ा सा और वेट कर लेंगे ना। धूप लेकिन बहुत ज़्यादा है पर सिर्फ पानी में है ना और गर्मी में पानी वानी देख कैसे लगता है ना कूद जाओ उसमें नहा के आ जाओ होता है ना अभी भी ऐसा फील हो रहा है पानी है ना ऐसा लग रहा है कूद जाओ ऐसे गए जाओ। हम जा रहे हैं उसके ऊपर दिखाते हैं किसके ऊपर जा रहे हैं एक्चुअली है ना कुछ फोटो वोटो शूट करो तो मैं इंस्टा पर डाल दूंगा खैर पर फिलहाल जा रहा हूँ मैं उसके ऊपर आ जाओ उसके बाद उधर से हम जाएंगे उधर उधर गई है तूने ना और तू आई नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरे से फिर उधर चलेंगे अपन फिर उधर चलेंगे है ना आ जाओ चलते ऊपर हाँ आ जाएगा सर ऐसे खड़े होना पड़ेगा अरे दोनों पे जाओगे ना ये वाला पे ये और ये पे तुम एक चीज गौर करना दो चीज दोनों सेम ही है लेकिन जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं दोनों सच में तुम गौर करना एक बार बोलो तुम कर रहा हो ये कर रहे हो पुलिस वगैरह मैं बता इसका हेड बहुत ज्यादा लिंक दिखता फोटो में बहुत कम है जाकर देख और पास कितना ज्यादा हेड लगेगा अभी। हम जब पहली बार आए थे ना तो हमारे को पैर प्लास्टिक जैसे दिया था पहनने के लिए जूता के ऊपर से अभी उसे दे रहा हूँ हाँ ये फ्री में उधर जाने के लिए देख जाके अभी तुम इसके ऊपर से फोटो लोगे ना इसके ऊपर चढ़ के तुम्हारा बैकग्राउंड में वो आएगा जहाँ से तुम एंट्री करो और बहुत सारे वहाँ से भी फोटो लेते हैं तो हम भी चलते हैं वहाँ से ट्राई करते हैं फोटो वोटो लेने का चले वो तो है उधर सीढ़ी उधर चले उधर सीढ़ी है चलते बोलो चलो ना होता ना पैर में कुछ पहनने के लिए देते हैं जूते के ऊपर से पहनना पड़ेगा प्लास्टिक टाइप्स होता है देखो लोग सब पहन के जा रहे हैं गंदा ना हो ऊपर और पत्थर वत्थर गंदा ना हो चलते अभी वो तो है चलते पहनते पैर में ऊपर चलते हैं उसके बाद अभी शाम हो गई फिर भी कुछ ज़्यादा धूप फील हो रहा है मेरे को ना सबको यहाँ फील हो रहा है बोलूँ बहुत ज़्यादा धूप फील हो रहा है। अभी हम आ भी गए हैं वहाँ से पहनेंगे पैर में अपने और ये रास्ते होते हुए फिर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उसके बगल में यमुना नदी है जाते हैं दिखाते हैं बहुत से देखते हैं। हाँ अभी हम आए थे ऊपर और इसके और ऊपर जाने के लिए पैसा लग रहा 200 रुपये करके ऑब्वियस वर्थ इट नहीं है किसी से पूछे कोई वर्थ इट नहीं बोलेगा क्या लगता है तेरे को? मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगता वर्थ इट लगता है ऊपर जाना 200 रुपये दे के कुछ भी नहीं करना क्या खाको करने जाएंगे झंडा लेकिन फिर लेकिन लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे दे के जा रहे हो ऊपर बेवकूफ अमीर होता है हाँ। हम चला गरीब भिखारी है हम ऐसे ही ठीक है एक्चुअली हम यही ठीक है ना हम ऐसे ही ठीक है तो हम बस यही नॉर्मल घूम रहे हैं हम एक आइडिया देते हैं हाँ दादा सब घूमते फिर लेंगे आजा उधर नदी है तो नदी देख लेते हैं आके हम फिर अपन आएंगे ना। और ये मस्जिद है एक्चुअली ये मस्जिद है ये सेम मस्जिद इसके उस साइड है सेम टू कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसे है। और ये पता है उधर है ना उधर झांकने से फील होगा उधर गुफा फील होता है अंदर उसका उधर झांकने से लगता है गुफा जैसा आ जाओ बैठते मैं जब यहाँ पे आया था ना 5-6 साल नहीं सर 10 साल पहले आया था मैं यहाँ पे उस टाइम इसके ऊपर जाने का टिकट लगता भी नहीं था हम फ्री में गए थे ऊपर फ्री में गए थे घूमते थे फ्री में आए थे तो मैं गया था मुझे पता है कि ऊपर जाने के बाद कैसा फील होता है जाना वर्थ है भी या नहीं है इसीलिए मैं दोबारा नहीं गया वहाँ पर क्योंकि बस मैं जा रखा हूँ मुझे पता है वहाँ पर क्या सीन है नहीं है मैंने अलाउ भी नहीं किया इन लोग ऊपर जा करके और बस हम नहीं गए हैं फिर गड़बड़ नीचे उचे घूम रहे तो यमुना नदी के पास आ गए अभी हम और जाते हैं अभी मैंने बोला था ना एक और ताजमहल बनाना चाह रहा था फिर उसके ब्रिटेन को उधर कैद करवा दिया था देख रही उधर ही सेम टू सेम ताजमहल उधर आगे देखना वो वाला
हाँ उधर बनाना चाह रहा था सेम टू सेम एक और ताजमहल उसने बनाना, हाँ उस टाइम नदी था वो, तो वो बनाना स्टार्ट करा था ना, फिर लग गया कि मेरा बाप सब कुछ लुटा देगा पैसा वैसा, उन्होंने अपने बाप को कैद करवा लिया था उधर आगरा फोर्ट में। पता है ये सब मुझे लगता है पानी था उधर, देखो कितना हाँ, पानी वहाँ तक चढ़ता है, हाँ, पानी वहाँ तक, और कभी कभी पानी सूख भी जाता है यहाँ का, अभी तो पानी फिर भी है, हाँ वो सीजन आता है पानी का, कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है यहाँ का, हाँ तो अभी बढ़ेगा पानी, अभी और पानी बढ़ेगा यहाँ से, ये मई जून में और पानी ऊपर आ जाता है उधर तक चढ़ जाता है पानी, जहाँ पर व्हाइट व्हाइट रेड दिख रहे हैं वहाँ तक चढ़ जाता है। हाँ जिसको तैरना आता है वो कर सकते हैं, चल कर अगर पानी कम होगा तो बस चल पाएगा, पानी ज्यादा होगा तो कैसे चलेगा, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। देखिए हम हैं अमीर औरत और ये हमारे नीचे एक भिखारी औरत बैठा है, और ये हमारे दोस्त है जो अमीर और भिखारी के बीच बीच में है, हमारी खिचिक खिचिक से अच्छे अच्छे फोटो उठा लेते हैं। तो हम पीछे उधर बैठे बैठे पूरा शाम कर दिया हमने, अभी दिख रहा होगा कितना शाम होगा, ऑलरेडी सूरज ढल चुका है, अभी मैं इन लोग को लाया हूँ, इधर से शायद कब्र दिखता है ऐसा मुमताज का, तो वो दिखाते, अगर नहीं दिखेगा तो हम इसके एक राउंड मार के उधर से फिर वापस निकल के हम बाहर चले जाएंगे, अगर नहीं दिखा तो आओ बोलो। मैं ना इसी ऊपर की बात कर रहा था, इसके ऊपर चढ़ने का ना पैसा अभी ले रहा, पहले पैसा नहीं लेता था 200 रुपए, ये तो ऑब्वियस वेस्ट है, मैं जा रखा हूँ ना पहले फ्री में, तो मुझे पता है वेस्ट है। और मूवी वगैरह में शूटिंग होता है ना जिसमें ताजमहल का दिखाया जाता है शूट वगैरह, एक्चुअली यहाँ से होता है, उधर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ से होता है सारा शूट, जितना भी शूट अगर तुम देखते हो ताजमहल का जिसमें ताजमहल दिखता है और जो भी ताजमहल रिलेटेड कुछ दिखता है ना, एक्चुअली वहीं से लेते हैं, मुझे इतना कुछ पता नहीं क्योंकि मैं इधर आ रखा हूँ, मुझे पता है एक्चुअली, इसीलिए मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं फेंक रहा हूँ, एक्चुअली रियल ये है, और सन डूब चुका है एक्चुअली, अच्छा लग रहा। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे थोड़ा घूम, इधर से घूम के है ना, और ये रहा यमुना, यमुना और मैं जो सनसेट की बात करता हूँ, सनसेट उधर हो रहा है और उसके पीछे एक्चुअली हुआ है बैंगलोर फोर्ट बहन जो क्या बोल रहा हूँ मैं, आगरा फोर्ट है, वो आगरा फोर्ट है और ये ताजमहल है, उसके बीच में सनसेट हो रहा है ना बेब, चलते हैं यहाँ से आगे। हमें जो टाइम दिया था वो बस टाइम के हम हाफ एन आवर बस हाथ में बचा है हमारा, बाकी वो खत्म हो जाएगा फिर टाइम चले क्या। तो ताजमहल है ना, कोई ऐसा दिन आता है एक जो मुझे अच्छे से पता नहीं है, सब पूर्णिमा ऐसा ऐसा कुछ दिन आता है, अभी जो वाइट दिख रहा है ना पीछे में वाइट दिख रहा है ना, वो उस टाइम पे गुलाबी कलर का हो जाता है कलर उसका, इमेजिन गुलाबी कलर का ताजमहल कभी किसी ने देखा है, उस टाइम गुलाबी कलर का हो जाता है, वो किसी को पता नहीं है, हमारे क्लास में किसी को पता भी नहीं होगा ऑब्वियसली, सब गवार जाहिल पड़े रहने के लोगों, ऑब्वियस भाई जो रियलिटी मैं वही बता रहा हूँ, उसको छोड़ के बाकी सब वही है हो जाता है, और वो भी होता है पिंक गुलाबी भी होता है, एक्चुअली बहुत सारा कलर होता है, मतलब अगर बोलते ना 5-6 कलर होता है बस एक, सबको लगता है कि व्हाइट कलर ही मतलब ये है, लेकिन नहीं एक्चुअली 5-6 कलर में बदलता है, इसका 5-6 कलर आता है इसके ऊपर में, बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को पता भी है एक्चुअली, है ना भवेश। अभी निकलते हैं, शाम हो गया, इसको मैंने फोटो अच्छा से क्लिक करके दे दिया ना आज, जब से लगी पड़ी है अभी निकल लेंगे, शाम हो गया, कितना शाम हो गया हमारे आज 6:30 बज गया, और 7 बजे हमें को बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे सारे ग्रुप होता है जितने हम क्लास में ना सबको बाहर निकलना पड़ेगा ना, 7 बजे आधा घंटा हम ये सब घूम पे थोड़ा बहुत घूम ही लिया और क्या बचा, थोड़ा बहुत बचा वो घूम के और निकल जाएंगे आगे ऐसे, है ना बेटा चलो। इधर मतलब उस साइड में एक मीना बाजार है, मतलब मीना बाजार एक्चुअली वो है जो पहले राजा मेरे जमाने में लगा करता था, मीना बाजार वो होता जो उसकी बेगम लोग कुछ बेचती थी और वो बादशाह आके खरीदते थे, वो अभी मीना बाजार है, अभी भी वो जगह है, अगर अभी टाइम अगर मिले थोड़ा सा तो मैं इसको दिखा कर ले आऊँगा, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है एक्चुअली, जिसको पता है हमें पता है, तो मैं इसको भी दिखा कर ले आऊँगा अगर जब टाइम मिलेगा तो वो बस मार्केट बना रखा है अभी, ऐसा नहीं कि सर बैठता बस, जैसे ताजमहल है इधर आता थोड़ी ना, लेकिन ताजमहल तो है, ऐसे मीना बाजार है लेकिन तो कुछ है नहीं, बस प्लेस है, तो मैं इसको दिखा दूंगा अगर टाइम मिले अभी तो, और एक्चुअली मीना बाजार तो वो है लेकिन उसका कॉपी बहुत सारा आस पास है, कि बाहर में एक है मीना बाजार जहाँ पर सामान भी बिकता है, लोग नॉर्मल लोग बेचते हैं, लेकिन एक्चुअली मीना बाजार जो उस जमाने होता था ना वो अभी उधर है, मैं इसको जाकर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, फॉर दिस लाइट वेट होगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा जाना, सर लोग दिखेगा जब तो थोड़ा बहुत टाइम तो मैं दिखा कर ले आऊंगा मैं, आ तुझे देख के लगेगा कि हाँ उस टाइम इधर मतलब उनकी बेग में बैठा करती थी जो भी है ना उनके, हाँ रे बेटा बेचते थे मीना बाजार,
फोटो है ना ताजमहल को, ऐसे पकड़ने वाला ऐसे करके। मैंने यहाँ लिया था फोटो, जहाँ अंकल बैठा है ना, आंटी बैठी है ना, मैंने यहाँ लिया था फोटो। अभी मेरे पास फोटो है, गैलरी में दिखा दूंगा मैं, और वहाँ से फोटो लिया था। हाँ, यहाँ से फोटो कैप्चर करा था, यहीं से पकड़ा था। पहले जमाने का जो वो था ना सामने सारा कुछ देख, पहले जमाने का मीना बाजार था ना, इसमें राजा महाराजा का एक्चुअली ये था मीना बाजार, इसको भी एग्जिट और एंट्री के तो बना रखे हैं। ये था और इस पीछे वाला था, ये मीना बाजार था पहले का, अब इसको एंट्री एग्जिट बना रखा है। और इसका अब इसका फर्स्ट शो भी तुम्हें बाहर मिलेगा मार्केट में, जिसको बोलते हैं मीना बाजार, जहाँ पे हम जैसे बंदे बैठते हैं वहाँ सामान वामान बेचने के लिए। सेकंड शो भी फर्स्ट शो थी, और एक्चुअली मीना बाजार ये था, इधर बैठता था राजा महाराजा, उसकी बीवी लोग बेचने के लिए सामान वगैरह। यहाँ से एंट्री और यहाँ से एग्जिट। बाहर का मीना बाजार, बाहर का कुछ व्यू निकलने के बाद। ताजमहल से निकल तो गए बाहर, हाँ हम ताजमहल से निकल तो गए बाहर, लेकिन मतलब रास्ता अच्छा है जाने में, ज़्यादा मज़ा आ रहा है एक्चुअली। सारे कपल जा रहे हैं, हम भी दोनों कपल जा रहे हैं, आगे बहुत सारे कपल है, पीछे बहुत सारे कपल है। व्यू अच्छा रहा, बस जिधर देखो व्यू अच्छा रहा, बस पूरा बस खाली। जल्दी आ गए क्या हम? कोई फैन बैक टू द होटल आफ्टर ताजमहल। या बड़ी